हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। मैं आज आपकी मैम रेनु मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग 4, एकादशह पाठ, ग्यारहवां पाठ, मातृ ममता, यानी कि मदर्स अफेक्शन। सभी बच्चे जानते हैं कि माँ की ममता कैसी होती है, तो इस पाठ के बारे में जानते हैं कि कैसे माँ की ममता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। बच्चों ध्यान से सुनो। एकदा न्यायालय परिसर है, देखो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जज बैठे हुए हैं, एक लेडी बच्चा लिए हुए खड़ी हुई है, ये वकील हैं, यहाँ पर इनके जो खड़े रहते हैं न्यायाधीश के बराबर में जो इनका गार्ड खड़े रहते हैं। एक बार न्यायालय परिसर अनेका जना संकुलिता भवन, एक बार अदालत परिसर में, अदालत के जहाँ कमरा होता है उस परिसर में अनेक लोगों की बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ते सर्वे न्यायाधीशस्य निर्णयं श्रवणाय उत्कंठिता आसन, वो सभी लोग न्यायाधीश का निर्णय सुनने के लिए उत्सुक थे। द्वाभ्याम वकीलाभ्याम सह एका स्त्री एकम बालकाम अंकम निधाय अग्रिम षड पंक्त्याम तिष्ठति स्म, दो वकीलों के साथ एक स्त्री एक बालक को अपनी गोद में लेकर और आगे की पंक्ति में क्या हो गई, बैठ गई। आगे की पंक्ति में आकर, आगे की लाइन में आकर बैठ गई, पंक्ति में खड़ी हो गई। अस्य बालकस्य नाम शुभाशीष आसीत, उस बच्चे का नाम क्या था, शुभाशीष था। फिर से एक बार देखिए बच्चों पूरा। एक बार न्यायालय परिसर में अनेक लोग इकट्ठे हुए थे, वो सभी न्यायाधीश का निर्णय सुनने के लिए इकट्ठे हो गए थे। उनमें से दो वकीलों के साथ एक स्त्री एक बालक को गोद में लेकर आगे की पंक्ति में खड़ी हुई थी। अस्य बालकस्य नाम शुभाशीष आसीत, इस बच्चे का नाम शुभाशीष था। दशवादन वेलायाम स्वर न्यायालय आसंदिको परिस्थितवा प्रथम अपराधम फाइलम अपठत, 10 बजने पर न्यायालय में कुर्सी पर बैठकर सबसे पहले अपराध की फाइल पढ़ी। किसने पढ़ी? सबसे पहले न्यायालय कक्ष में पहुंचकर 10 बजे उस न्यायाधीश ने पहली आपराधिक फाइल पढ़ी। शुभाशीष उभयो अंकयो इच्छति थी, शुभाशीष दोनों के गोदी में, शुभाशीष क्या था, दोनों शुभाशीष को गोदी में लेना चाहती थी। दोनों स्त्रियां, दो स्त्रियां थी वो, एक की गोदी में शुभाशीष था लेकिन दोनों ही उसको अपनी गोद में लेना चाहती थी। रमाया उपस्थितानि तथ्यानि सत्यानि प्रतीयन्ते, रमा ने जो बात सामने रखी थी वो बिल्कुल सच दिखाई दे रही थी। तया च मालाया यानी तथ्यानि उपस्थितानि ते अपि सत्यानि, इसी प्रकार माला ने भी जो बात सामने रखी थी वो भी सच प्रतीत हो रही थी। क्योंकि न्यायालय में तो ऐसे ही होता है ना बच्चों, दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं और दोनों ही बात सही होती है, लेकिन ये न्यायाधीश के ऊपर होता है कि वो फैसला किसके पक्ष में सुनाएगा और सही फैसला होगा या नहीं होगा। दोनों की गोद, दोनों ही बच्चे को गोद में लेना चाहती थी और दोनों की बातें ही न्यायाधीश को सही लग रही थी। अब हस्तकुलितेन वास परिपूतेन नयनेन, नहीं पहले यह न्यायाधीशेन कथितम, न्यायाधीश ने कहा, गत मासो एकस्य भवनस्य द्वौ अधिकारिणौ विवादितौ न्यायालयम् आगतवन्तौ, न्यायाधीश ने क्या कहा कि पिछले महीने दो भवन के दो मकानों के मालिक क्या हुआ, लड़ते हुए न्यायालय में आ गए थे। एक है समस्य भवनस्य स्वामी कथयति स्वमस्य, एक अपने आप को उस मकान का मालिक कहता था। मैंने अर्धमा अर्धमा कृतम, मैंने आधा आधा कर दिया, क्योंकि दोनों ही उस मकान को कह रहे थे ये मेरा, इसका स्वामी मैं हूं, इसका मैं हूं। तो मैंने क्या किया, न्यायाधीश ने बोला कि मैंने किया कि उसको आधा आधा कर दिया कि आधा तुम ले लो और आधा तुम ले लो। अतः विवाद ऐसा समाप्त हो जाता है, इसलिए क्या होगा, लड़ाई समाप्त हो गई। अतः शुभाशीष से भाग द्वयम विधातव्यम, इसलिए शुभाशीष के भी दो भाग कर देने चाहिए। शुभ भागे रमाया एवं आशीष भागे मालाया भविष्यति, शुभ शुभ वाला भाग रमा का होगा और आशीष वाला भाग माला का हो जाएगा। इत्थं प्रकारं श्रुत्वा माला मूर्छिता अभवत्, ये सुनकर माला मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई माला।
हस्तकुलितेन वास परिभूतेन नयनेन कथमति। और वो उसको क्या हुआ, अपने हाथ उसने खुले हुए और अपनी आंखों में आंसू भरे हुए उसने कहा, भगवान संपूर्ण भागम रमायै दयां, हे प्रभु हे भगवान हे न्यायाधीश महोदय, सारा भाग पूरा भाग रमा को दे दो, रमाया अंके शतम शतम जीवेत अयम अयम आशीष है, यह आशीष रमा की गोद में 100 साल जिए ऐसा मेरा आशीर्वाद है। रमा तो अति प्रसन्ना भवत, रमा तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अरे माला ने क्या कर दिया, ये तो उसने मुझे ही देने को कह रही है बच्चे को। न्यायाधीश ने पुनः उत्तम न्यायाधीश ने दोबारा कहा, मातृ ममता सिद्ध जाता, माँ की ममता सिद्ध हो गई। बच्चों आपको पता लग गया कि कैसे सिद्ध हो गई, पता लग गया ना। हाँ, मालाया ममता कारणे विवादम अभवत, माला की ममता के कारण विवाद लड़ाई हुई थी, बालकस्य लालने माता एक मुखिया, बच्चे का पालन करने में माँ का ही मुख्य भाग रोल होता है, माँ का ही मुख्य भाग होता है, अतः मालाया एवं पुत्र इति सिद्धम, ये माला का ही पुत्र है, ये बात सिद्ध हो गई है। क्योंकि एक माँ ही ऐसी चीज है बच्चों जो अपने बच्चे का कुछ भी अहित कुछ नुकसान देखना नहीं चाहती। जैसे ही न्यायाधीश ने कहा कि शुभाशीष के दो भाग कर दो, आधा भाग दे दो रमा को और आधा भाग माला ले लेगी, ये सुनते ही एक माँ की ममता जाग गई और वो बेहोश हो गई। उसने कहा नहीं, सारा आप शुभाशीष को रमा को दे दो, क्योंकि मैं तो इसको आशीर्वाद देती हूँ कि ये 100 साल जिए। तभी न्यायाधीश ने पता लगा लिया कि माँ की ममता सिद्ध हो गई, माला ही इसकी माँ है, माला पर ही इसका अधिकार है। सर्वे जन्ना प्रसन्ना भवत, सभी लोग बहुत खुश हुए। न्यायाधीश से बुद्धिर वैभवम भूरि भूरि प्रशंसितम, और न्यायाधीश की बार बार बहुत प्रशंसा की उनकी बुद्धि की, धन्यो न्यायविद, ये है कि न्याय धन्य है, ये न्यायाधीश भी धन्य है जिसने इतना सही न्याय करके दिखा दिया। तो अच्छा लगा ना बच्चों आपको कि एक माँ की ममता ऐसी ममता होती है, माँ की ममता के आगे सब बेकार होता है। एक माँ ही थी, उसने जब देखा कि न्यायाधीश ने कह दिया कि ये बच्चा इसके आधा आधा कर दो इसको, तो बेहोश हो गई। एक माँ ही है जिसके दिल में लगता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। रमा तो चुपचाप खड़ी थी, वो तो गोदी में लिए खड़ी हुई थी, उसको तो ये था कि ये बच्चा मेरा है, वो जबरदस्ती कह रही थी ये बच्चा मेरा है, जबकि वो बच्चा किसका था, माला का। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में जाना माँ की ममता के बारे में, पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ है उनके बारे में जानते हैं। परिसर माने प्रांगण में, कोर्टयार्ड जिसे बोलते हैं, और संकुलिता माने एकत्रित हुए, श्रवणाय सुनने के लिए, तिष्ठतिस्य माने बैठी थी, आसंद कोपरी माने कुर्सी पर, श्रावयितुम माने सुनाने के लिए, अधिकारिणी माने दो अधिकारी, प्रशंसितम माने प्रशंसा की, मातृ ममता माने माँ की ममता। तो अब बच्चों पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। पहला हमारा अभ्यास कार्य है पाठ में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर हैं। प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में दे सकते हैं आराम से, जब आपने पाठ पढ़ लिया है समझ लिया है तो आप प्रश्नों के उत्तर हिंदी में भी दे सकते हैं। प्रश्न पहला है, कया तथ्यानि सत्यानि प्रतीयन्ते, किसके तथ्य सत्य प्रतीत हो रहे थे, दोनों के सत्य हो लग रहे थे, माया उसके रमा के भी और माला के भी, क्योंकि न्यायाधीश ने जब दोनों को पढ़ा ऐसा लग रहा था तथ्य तो दोनों के सही है, दोनों के तथ्य सत्य प्रतीत हो रहे थे। नेक्स्ट है, कस्य बुद्धि वैभव भूरि भूरि प्रशंसितम, किसकी बुद्धि और वैभव की प्रशंसा की गई, न्यायाधीश से, न्यायाधीश की। ते सर्वे कस्य निर्णय शर्माए उत्कंठित आसन, वो सब किसका निर्णय सुनने के लिए बैठे हुए थे, उत्सुक थे, न्यायाधीश से, न्यायाधीश के। शुभाशीष कयो अंकयो इच्छति थी, शुभाशीष को कौन अपनी गोद में लेना चाहता, उभयो दोनों, शुभाशीष अंकयो इच्छति थी, दोनों ही शुभाशीष को अपनी गोदी में लेना चाहती थी। सर्वे जना किम प्रसन्ना भवत, सभी लोग क्यों प्रसन्न हो गए, न्यायाधीशस्य बुद्धिर वैभवम्
सर्वे जना प्रसन्ना अभव। न्यायाधीश के बुद्धि और वैभव के कारण सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसकी बार बार प्रशंसा करने लगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश विचारित्वा सहसा निर्णय श्रावयितुम उचित है। सम्यक विचारित्वा सहसा निर्णय श्रावयितुम उचित है। नेक्स्ट है अतः शुभाशीषस्य भाग द्वयम्। अतः शुभाशीषस्य भाग द्वयम् विधातव्यम्। नेक्स्ट है डैश शुभाशीष है उभयो और उभयो। यहाँ फिल इन द ब्लैंक नहीं है, यहाँ है फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट है पुनः उत्तम मात्र ममता सिद्ध जाता। नेक्स्ट है डैश पुनः उत्तम न्यायाधीशे पुनः उत्तम मात्र ममता सिद्ध जाता। बालकस्य डैश माता एक मुख्या बालकस्य। एक्सरसाइज नंबर टू बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डैश विचारित्वा सहसा निर्णय श्रावयितुम उचित। सम्यक विचारित्वा सहसा निर्णय श्रावयितुम उचित। दूसरा है अतः शुभाशीषस्य भागद्वयम् विधातव्यम्। नेक्स्ट है शुभाशीष है उभयो अंकयो इच्छतीति। नेक्स्ट है डैश पुनः उत्तम मातृममता सिद्ध जाता। न्यायाधीशेन पुनः उत्तम मातृममता सिद्ध जाता। नेक्स्ट बालकस्य डैश माता एव मुख्या। बालकस्य लालने माता एव मुख्या। तो इस प्रकार हमने बच्चों पाठ में आए हुए कुछ खाली स्थानों की पूर्ति करी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है उचित विकल्प चुनकर। तीन तीन विकल्प में से एक सही विकल्प चुनकर हमें सही का निशान लगाना है। एकदा परिसरे अनेका जना संकुलिता अभवत। एकदा परिसरे अनेका जना संकुलिता अभवत। एकदा न्यायालयस्य परिसरे। बालकस्य नाम है आसीत शुभाशीषे आशीषे या दीपकः शुभाशीषे। बालकस्य लालने मुख्या माता भ्राता या मित्रै माता। तो इस प्रकार हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। एक्सरसाइज नंबर फोर संस्कृत में अनुवाद करना है। न्यायाधीश ने अपराध फाइल को पढ़ा। न्यायाधीशः अपराध फाइलम अपठन। नेक्स्ट है एक स्त्री बालक को गोदी में लेकर बैठी थी। एक स्त्री बालक अंके निधाय तिष्ठति स्म। एका स्त्री बालके अंके निधाय तिष्ठति स्म। बालक के लालन में माता ही मुख्य है। बालकस्य लालने माता एव मुख्या अस्ति। बालकस्य लालने माता एव मुख्या अस्ति। यह बालक रमा की गोद में 100 वर्ष तक जीवित रहे। इयं बालकः रमायाः अंके शतवर्षं जीवेत। नेक्स्ट है संपूर्ण भाग रमा को दे दिया जाए। संपूर्ण भाग रमा को दे दिया जाए। संपूर्ण भाग है रमायै देय। संपूर्ण भाग रमा को दे दिया जाए। एक्सरसाइज नंबर फोर संस्कृत में अनुवाद करने हैं। संस्कृत में हमने अनुवाद करे कुछ हिंदी में वाक्य थे जिनका हमने संस्कृत में अनुवाद किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों संधि विच्छेद करनी है। ये बात कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका की हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे न्यायालय न्याय आलय। तिष्ठति स्म तिष्ठति प्लस स्म। हस्त मुकुलितेन हस्तम। बुद्धिर्वैभवम् वैभवम् बुद्धि वैभवम्। मातृममता
मात्र ममता। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं उनका संधि विच्छेद किया। एक्सरसाइज नंबर 6 है हमारी, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए परिसरे, न्यायालय परिसरे, अनेका जना उपस्थिता, अग्रिम सह अग्रिम पंक्ते तिष्ठति स्म, स मम स्वामी अस्ति, शतम शतम वर्षम जीवेत, मुकुलितम सा स्व हस्तम मुकुलितम, न्यायाधीशम अवदत। पाठ में आए हुए कुछ शब्द थे जिनका हमने संस्कृत में वाक्य में प्रयोग किया उनका। ये रचनात्मक कार्य है बच्चों, एक्टिविटी है माँ की ममता के विषय में। इस पर तो आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, माँ की ममता के बारे में कुछ भी जो भी लिखना चाहते हो, या 5 वाक्य कॉपी पर लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिका के ऊपर लिखे सुंदर तरीके से। अपनी माँ का चित्र भी बना सकते हैं साथ में, और आपकी माँ आपको कितना प्यार करती है, आप अपनी माँ को कितना प्यार करते हो, आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है, ये कुछ भी बातें आप अपनी माँ की ममता के लिए 5 वाक्य माँ पर लिखिए, और ये अपनी अध्यापक या अध्यापिका को उत्तर पुस्तिका में दिखाएं। तो इस प्रकार बच्चों अपने माँ की ममता के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।